Hello students, welcome back to our online class. After a long time, we are here to discuss new chapter. Our topic is active and passive voice, English grammar, class 7, chapter number 13. So dear students, as I said that today we are going to learn active and passive voice. What are the little things you have to remember while you study active and passive voice? It is very important to remember the small things that will help you out to understand very well about active and passive voice. The first things you have to remember while you study active and passive voice, that is sentence. How to make sentence. It is very important to know and to learn more about active and passive voice. You have to know very well about sentence, or to say the second word, sentence means tense. You have to know very well about tense. As last video I already explained present tense, past tense, future tense. So tense, if you know tense very well, then definitely you can translate active to passive voice. And the second one, you have to remember that you have to use the third from the verb. हर एक सेंटेंस में जब भी आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा. सो स्टूडेंट्स, पहला जो है टेंस आपको याद होना जरूरी है जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस जब हम सीखते हैं. दूसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना है. एंड The third one is you have to remember by. Yes, by definitely passive voice में use होता है. By एक तरह से एक sign है passive voice की. Without by हम कभी भी active passive voice नहीं बना सकते. तो ये तीन चीज हमेशा active passive voice में आपको याद रखना. पहला है tense. हमेशा tense की परिवर्तन active to passive voice करते वक्त जरूरी पड़ता है. दूसरा है verb की third form, यानी कि अगर first एक्टिव में अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रखा है तो डेफिनेटली वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होगा. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बाय, वो हमेशा बाय पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, सो प्लीज लुक एट योर बुक्स एज आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड हाउ वी कैन लर्न मोर अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, देन श्योरली यू विल अंडरस्टैंड what is active and passive voice. So there are two example I am going to write for you. First of all, there are two example I am going to write for you. The first one is he painted a picture and the second one is a picture picture was painted. Painted by him. Students, ये meaning देखोगे तो ये similarity है. Meaning में कोई अर्थ में अगर देखोगे तो अर्थ बिल्कुल एक ही है, लेकिन बोलने के तरीका अलग है. ये इसमें जो मीनिंग आ रहा है सेकंड सेंटेंस में वो ही मीनिंग है. ठीक है, तो पैसिव वॉइस वो इसलिए माना जा रहा है कि यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रखा है प्लस बाय यूज हो रखा है. और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट. जब आप एक्टिव वॉइस में अगर देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ये याद रखना जरूरी है. ठीक है, और जहां पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में नहीं होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हो. जैसे कि प्रेजेंट टेंस में है तो डेफिनेटली इज यूज हो जाएगा. जैसे ये पास्ट है पेंटेड है, ठीक है, ये पास्ट तो इसलिए वाज यूज हो गया है. ठीक है, तो हम देखेंगे इस दोनों की मीनिंग क्या है, किस तरह से वो हमें समझना चाहिए. बोथ द सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग but have been constructed differently. देखो इन दोनों सेंटेंस की एक ही मीनिंग है लेकिन उसकी नीड जो है अलग अलग तरीके से.
In the first sentence, the highlighted verb indicate that the subject he did the action. अगर पहले सेंटेंस में अगर हम देखेंगे जो हाईलाइटेड वर्ड्स यानी कि जो पेंटेड हो गया ओके वॉज पेंटेड हो गया वो क्या है कि वो इंडिकेट करता है कि ही डिड द एक्शन यानी कि इसने एक्शन किया हुआ है ठीक है. इन द सेकंड सेंटेंस द फंक्शन ऑफ द वर्ब इज टू शो दैट द सब्जेक्ट अ पिक्चर वॉज एक्टेड. अगर आप वॉज एक्टेड में देखोगे ठीक है तो वो क्या है वो एक तरह से सब्जेक्ट हुआ है ठीक है. स्टूडेंट्स वन सेकंड आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर यू कि पहले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो ही जो है एक एक्शन किया गया है ठीक है और सेकंड सेंटेंस में देखोगे तो आ पिक्चर जो है वो क्या है एक्ट किया गया है ठीक है. सो द वर्ब दैट एक्सप्रेस दैट एक्शन इज कैरी आउट बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी द एक्टिव वॉइस. द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट और द डूअर इज टू बी मेड परमानेंट ठीक है. सबसे पहली चीज एक्टिव वॉइस किसके लिए यूज किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा कैरी किया जाता है. पैसिव वॉइस जो है एक महत्वपूर्ण या स्पष्ट तरीके से जो बाय के द्वारा यूज किया जाता है. जब बाय यूज करते तो फिर एक स्पष्ट या महत्वपूर्ण वो सेंटेंस बन जाता है. या कहने का मतलब है कहीं सिंपल सेंटेंस आपने देखा होगा लेकिन जब हम उसको ग्रामेटिकली बोलते हैं तो वो एक विशेष बन जाता है उसकी सेंटेंस की एक जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से बन जाता है. तो एग्जैक्टली दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक है लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में बोलते हो तो उसकी मतलब कुछ अलग ही पहचान होता है ठीक है. सी हाउ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग ठीक है. हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस तो हमने देख लिया कि बिना उसकी मीनिंग बदलते हुए उसका मीनिंग सेम निकला है. तो वैसे ही और कुछ चीजें हैं जो सेंटेंस है जो हम देखेंगे कि वो किस तरह से जो है मीनिंग एक ही है और वो भी बिना चेंज होते हुए. यहाँ पे मैं लिखना नहीं चाहता पर रीड करना चाहता हूँ. द रेफरी ऑर्डर अ रीमैच एक सेंटेंस बना. जब आप उसको पैसिव बनाएंगे तो जो आ रेफरी है वो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में आ जाएगा. पहले एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है. तो आ रेफरी क्या होना चाहिए पैसिव वॉइस में पहले आना चाहिए. देखो आप पैसिव वॉइस कैसे बनेगा अ रीमैच वॉज ऑर्डर बाय द रेफरी ठीक है. रीमैच पहले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करा लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो गया अ रीमैच एक एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. इन द सेम मैनर सिरिन बॉट अ हाउस. सिरिन एक सब्जेक्ट है ठीक है. बॉट के थर्ड फॉर्म है और अ हाउस एक ऑब्जेक्ट है लेकिन जैसे मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है. तो आप उसका पैसिव वॉइस हम कैसे देखेंगे अ हाउस वॉज बॉट बाय सरिन यानी कि जो सब्जेक्ट क्या हो गया वो ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स तो इस तरह से जो है हम मीनिंग बिना बदलते हुए हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं मतलब कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना सकते हैं. So, और कुछ लिखा हुआ है लेट अस रिवाइज द रूल्स ऑफ द कन्वर्सेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब आर इंटरचेंज. जैसे मैंने कहा जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. देखो यहाँ पे अगर पहले सेंटेंस में अगर हम देखेंगे ये सब्जेक्ट है राइट ठीक है लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा. और ये चीज आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट होना जरूरी है फिर वर्ब फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली या सबको पता है. तो पैसिव वॉइस में भी एग्जैक्टली वही फॉलो किया जाता है ठीक है. यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन जब हम उसको पैसिव बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन रहा है. स्टूडेंट्स तो ये चीज हमने देखा द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. देखो बहुत सोचने वाली बात है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो एक्टिव वॉइस में यूज होता है
वो क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में, जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में बन जाता है। इन द पैसिव वॉइस द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही कह दिया था आप लोगों को कि बाय यूज होना बहुत ही जरूरी है, टेंस देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय डेफिनेटली यू हैव टू यूज। तो बाय एक प्रीपोजिशन हम सबको पता है, और बाय कहां पे आएगा ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, जैसे ये थीम है ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय एज ए प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ द वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब चेंज होता है वो सब्जेक्ट की नंबर के आधार पर। आप इसमें देखो सेम मिलिंग है, सॉरी पेंटेड, यहां पे पेंटेड है क्योंकि ये सेंटेंस ही क्या है वो पास्ट टेंस का मैंने बनाया। अगर प्रेजेंट टेंस में अगर पेंट में अगर लिखता तो डेफिनेटली यहां पे ईडी दोबारा में ऐड करता। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म चेंज होगा। पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ही लव्स मी, आई एम लव्ड बाय हिम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, ही लव्स मी, जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, आई एम लव बाय हिम। तो इसको भी अगर आप देखोगे डिफाइन करोगे एक एक चीज को अगर मतलब कि गौर करोगे तो डेफिनेटली वो क्या है कि जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और बाय हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, एक्टिव वर्ब फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन रिटन इन द प्रीपोजिशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, और स्पेशली जब प्रीपोजिशन एट जहां कहीं भी एट यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, बाय द वे अगर मैं यहां पे एट यूज कर रखा हूं एक्टिव वॉइस में तो वो क्या है पैसिव वॉइस में भी एट ही यूज होता है, एट के बदले आप दूसरा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने हर चीज को चेंज करा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त हमने हर चीज को चेंज करा, लेकिन बाय द वे इन सेंटेंस में अगर एट यूज हो रखा है तो पैसिव वॉइस में भी एट ही यूज होगा, एट के बदले कोई भी रिटर्न मतलब कोई भी चीज आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स लव एट द क्लॉक, ठीक है, देखो यहाँ पे एट यूज हो रखा है, द स्टूडेंट्स लव एट द क्लॉक, फिर देखो द क्लॉक वॉज लव्ड एट बाय द स्टूडेंट्स, दोबारा एट क्या हो गया आपको रिटेन हो गया, यानी कि ऐसा नहीं कि एट एक्टिव वॉइस में यूज हो रखा है तो पैसिव वॉइस में यूज नहीं हो सकता है, ये गलत है। दोनों जब भी प्रीपोजिशन एट यूज होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी एट ही आएगा। सो स्टूडेंट्स तो ये एक छोटा सा जो पार्ट जो हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या क्या याद होना चाहिए, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ही किस तरह से चेंज होता है पैसिव वॉइस में, या जैसे मी यहाँ पे यूज हो रखा है तो एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे किस तरह से आई में चेंज होता है उसका भी हम डिटेल वाइज देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।